हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखने वाले हैं टोनी मॉरिसन की फेमस नॉवल द ब्लूएस्ट आई की। टोनी मॉरिसन एक एफ्रो अमेरिकन राइटर है और इन्होंने ये नॉवल 1970 में पब्लिश करवाई थी। तो ये टोनी मॉरिसन की फर्स्ट नॉवल है। द नॉवल टेक्स प्लेस इन लोरेन, ओहियो, मॉरिसन्स होम टाउन एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग एफ्रिकन अमेरिकन गर्ल नेम्ड पिकोला हु ग्रू अप फॉलोइंग द ग्रेट डिप्रेशन। तो ये जो नॉवल है वो लोरेन नाम की जगह पर होती है जो कि ओहियो में है, जो एक्चुअली मॉरिसन का होम टाउन है। मॉरिसन भी ओहियो से ही थी, तो कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है। और ये एक यंग अमेरिकन अफ्रीकन या अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल जिसका नाम होता है पिकोला, उसके बारे में है। यानी अफ्रीकन अमेरिकन ऐसे लोगों को कहते हैं जो एक्चुअली अफ्रीका के हैं बट अमेरिका में रहते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो रही थी तब की ये कहानी है। सेट इन 1941, द स्टोरी इज अबाउट हाउ शी इज कंसिस्टेंटली रिगार्डेड एज अगली ड्यू टू आर मैनरिज्म्स एंड डार्क स्किन। तो 1941 की ये कहानी है जहाँ पर पिकोला को सब लोग बहुत ही अगली कहते हैं कि तुम बदसूरत हो, इसीलिए क्योंकि वो एक ब्लैक है। एज अ रिजल्ट शी डेवलप्स एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इस वजह से उसे एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो अपने आप को दूसरों से कम समझने लगती है। विच फ्यूल्स हर डिज़ायर फॉर द ब्लू आइज शी इक्वल्स विथ वाइटनेस। और इसीलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर मेरी भी ब्लू आँखें होती तो लोग मुझे पसंद करते, क्योंकि वाइट लोगों की आँखें ब्लू होती है। द नॉवल इज टोल्ड फ्रॉम क्लॉडिया मैकटियर्स पॉइंट ऑफ व्यू। शी इज़ द डॉटर ऑफ पिकोलास फॉस्टर पेरेंट्स। तो ये जो नॉवल है वो क्लॉडिया मैकटियर कह रही होती है। क्लॉडिया मैकटियर पिकोला के फॉस्टर पेरेंट्स, यानी असली पेरेंट्स नहीं, वो लोग जो पिकोला को पाल रहे होते हैं उनकी बेटी होती है क्लॉडिया मैकटियर। चलिए अब हम लोग कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है पिकोला का, पिकोला ब्रीडलव। हर इंसेनिटी एट द एंड ऑफ द नॉवल इज हर ओनली वे टू एस्केप द वर्ल्ड वेयर शी कैन नॉट बी ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ड्यू टू हर फैमिली सिचुएशन एंड द ब्यूटी एंड सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट टाइम। तो नॉवल के एंड में पिकोला जो है वो पागल जैसी हो जाती है, और वो पागल जो हो जाती है वो उसका तरीका है दुनिया से एस्केप करने का, दुनिया से बचने का। इसीलिए क्योंकि उसे कोई भी सुंदर नहीं समझता था, क्योंकि उस ज़माने के सोशल स्टैंडर्ड्स अलग थे। शी बिलीव्स दैट हैविंग ब्लू आइज वुड मेक हर मोर एक्सेप्टेड। तो उसे ऐसा लगता है कि अगर उसकी ब्लू आंखें होंगी तो उसे लोग एक्सेप्ट करेंगे और सुंदर समझेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है क्लॉडिया मैकटियर। नरेट्स द मेजॉरिटी ऑफ द नॉवल एंड इज ऑल्सो अ यंग ब्लैक गर्ल। तो वो ज़्यादातर नॉवल को नरेट कर रही होती है, और वो भी एक ब्लैक गर्ल है। शी इज़ द चाइल्ड ऑफ पिकोलास फॉस्टर पेरेंट्स एंड इज फ्रीडा सिस्टर। तो वो पिकोला के फॉस्टर पेरेंट्स, अडोप्टिव पेरेंट्स की लड़की होती है, और वो फ्रीडा की बहन है। शी इज़ नॉट ओनली पिकोलास फॉस्टरिंग सिस्टर बट शी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी हर फ्रेंड। तो वो पिकोला की एक तरीके से बहन भी है और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रीडा मैकटियर, क्लॉडियाज 10-year-old सिस्टर। तो ये क्लॉडिया की बहन होती है। फ्रीडा इज मोर एनलाइटेंड टू द वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू हर यंगर सिस्टर एंड पिकोला। तो फ्रीडा क्लॉडिया की बड़ी बहन थी, और वो क्लॉडिया और पिकोला से ज़्यादा मेच्योर थी। फ्रीडा इज करेजियस एंड अनवेवरिंग। शी सीम टू डिफेंड बोथ क्लॉडिया एंड पिकोला विद इन द नॉवल। तो फ्रीडा जो है वो करेजियस भी है, हिम्मती भी है, और वो किसी से नहीं घबराती, और वो पूरी नॉवल में क्लॉडिया और पिकोला को डिफेंड करने की कोशिश करती है। फ्रीडा कैन बी क्लासिफाइड एज डिटरमाइंड, इंडिपेंडेंट एंड स्टबर्न एट टाइम्स। तो फ्रीडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है, ज़िद्दी भी है और इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कोली ब्रीडलव। कोली जो है वो पिकोला के फादर होते हैं, और वो एक अल्कोहलिक इंसान होता है, बहुत ही शराबी होता है, अब्यूसिव होता है। कोली's violent and aggressive behavior reflects his troublesome upbringing. तो उसके खुद की अपब्रिंगिंग जब वो छोटा होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से होती है, इसलिए वो एक ख़राब इंसान था, और वो खुद भी वैसा ही पेरेंट हो जाता है जैसे उसके खुद के पेरेंट्स थे। यानी वो भी एक बुरा पेरेंट साबित होता है और वो एक शराबी इंसान होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉलिन, पॉली ब्रीडलव। पिकोलाज मदर मिसेस ब्रीडलव इज मैरिड
to Collie and lives the self-righteous life of a marsh, enduring her drunk husband and raising her two awkward children as well as she can. तो पॉलिन या पॉली ब्रीडलव जो है वो पिकोला की मदर होती है और वो एक अच्छी सीधी सादी जिंदगी जी रही होती है, एकदम मार्शियर जैसी, जैसे कि शहीदों की जिंदगी होती है। यानी वो अपने हस्बैंड की मार भी झेल रही होती है और अपने बच्चों को किसी तरीके से बड़ा कर रही होती है। अब चलिए हम लोग समरी को देखते हैं। इन लोरेन ओहियो, 9-year-old क्लोडिया मैकटियर एंड हर 10-year-old सिस्टर फ्रीडा लिव विद देयर पेरेंट्स, अ टीनेंट नेम्ड मिस्टर हेनरी एंड पिकोला ब्रीडलव, अ टेम्पररी फॉस्टर चाइल्ड हुज हाउस वॉज बर्न डाउन बाई हर अनस्टेबल एल्कोहलिक एंड सेक्शुअली अब्यूजिव फादर। तो लोरेन ओहियो में 9 साल की क्लोडिया मैकटियर अपनी बड़ी बहन जो कि 10 साल की फ्रीडा है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। उनके यहाँ पे एक टीनेंट भी रहता है, यानी रेंट पे एक आदमी रहता है जिसका नाम होता है मिस्टर हेनरी, और एक लड़की होती है पिकोला ब्रीडलव जो उनके साथ रह रही होती है, जो कि उन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया होता है इसलिए क्योंकि पिकोला का घर उसके शराबी और सेक्सुअली अब्यूसिव फादर ने जला दिया होता है, इसलिए पिकोला को वो लोग रख रहे होते हैं। पिकोला इज़ अ क्वाइट पैसिव यंग गर्ल हु ग्रोज अप विथ लिटिल मनी एंड हुज पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। तो पिकोला एक शांत बच्ची है और उसके परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, बोथ वर्बली एंड फिजिकली। पिकोला इज कंटिन्यूली रिमाइंडेड ऑफ वॉट एन अगली गर्ल शी इज़ बाय मेम्बर्स ऑफ हर नेबरहुड एंड स्कूल कम्युनिटी। तो पिकोला को सभी लोग अगली कहा करते थे, फिर चाहे वो स्कूल के लोग हों या उसके आस पड़ोसी, इसीलिए क्योंकि वो एक ब्लैक थी। इन एन अटेम्प्ट टू ब्यूटिफाई हर्सेल्फ पिकोला विशेज़ फॉर ब्लू आइज। तो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए पिकोला सोचने लगती है कि काश मेरी भी आँखें ब्लू होती अंग्रेज़ों की तरह। एडिशनली मोस्ट चैप्टर्स टाइटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिक एंड जेन पैराग्राफ इन द नॉवल्स प्रोलॉग प्रेजेंटिंग अ वाइट फैमिली दैट मे बी कॉन्ट्रास्टेड विद पिकोलास। तो नॉवेल के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका जो टाइटल है वो डिक एंड जेन नाम की बच्चों की एक बुक होती है, उसमें जो एक्सट्रैक्ट्स या वर्ड्स आते हैं उनको लेकर चैप्टर के टाइटल्स को बनाया गया है। द चैप्टर टाइटल्स कंटेन सडन रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, मेनी कट ऑफ वर्ड्स एंड नो इंटरवर्ड सेपरेशन। तो चैप्टर के टाइटल में बहुत सारा रिपीटेशन है शब्दों का, बेसिकली उसी तरीके वो वर्ड्स हैं जैसा कि बच्चों के बुक्स में होते हैं। तो अब देखिए आगे क्या बताया। द नॉवल थ्रू फ्लैशबैक्स एक्सप्लोर्स द यंगर ईयर्स ऑफ बोथ ऑफ पिकोलास पेरेंट्स कोली एंड पॉलिन एंड देयर स्ट्रगल्स एज अफ्रीकन अमेरिकन इन अ लार्जली वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी। तो नॉवल में फ्लैशबैक्स के द्वारा बताया गया है कि कैसे पिकोला के पेरेंट्स कैसे रहा करते थे वाइट्स के बीच, और वो लोग ब्लैक्स थे लेकिन बाकी का जो उनका नेबरहुड था वो वाइट लोगों का था जो कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे। पॉलिन नाउ वर्क्स एज अ सर्वेंट फॉर अ वेल्दियर वाइट फैमिली। तो जो माँ है पिकोला की वो एक वाइट फैमिली के यहाँ पर एक सर्वेंट का काम करती है। वन डे इन द नॉवल्स प्रेजेंट टाइम व्हाइल पिकोला इज डूइंग डिशेस ड्रंक कोली रेप्स हर। तो एक दिन जब पिकोला बर्तन धो रही होती है तो शराब पीकर आता है उसका फादर कोली और उसका रेप करता है। हिज मोटिव्स आर लार्जली कन्फ्यूजिंग सीमिंगली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लव एंड हेट। तो वो ऐसा क्यों करता है ये पता नहीं चलता और उसका जो बिहेवियर है उसमें लव और हेट दोनों होती है। आफ्टर रेपिंग हर अ सेकेंड टाइम ही फ्लीज लीविंग हर प्रेगनेंट। और दूसरी बार जब वो उसका रेप करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और तब तक जो पिकोला है वो प्रेगनेंट हो जाती है। क्लॉडिया एंड फ्रीडा आर द ओनली टू इन द कम्युनिटी हु होप फॉर पिकोलास चाइल्ड टू सर्वाइव इन द कमिंग मंथ्स। उसके बाद उनके समाज में सिर्फ क्लॉडिया और फ्रीडा ऐसे लोग होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि पिकोला का बच्चा बच जाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली दे गिव अप द मनी दे हैड बीन सेविंग टू बाय साइकिल इंस्टेड प्लांटिंग मैरीगोल्ड सीड्स विद द सुपरस्टिशियस बिलीव दैट इफ द फ्लावर्स ब्लूम पिकोलास बेबी विल सर्वाइव। तो वो लोग दोनों क्लॉडिया और फ्रीडिया पैसे बचा रहे होते हैं साइकिल खरीदने के लिए, लेकिन उस पैसे से वो लोग मैरीगोल्ड के बीज खरीदते हैं और मैरीगोल्ड लगाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर उसमें फूल आएंगे तो पिकोला का जो बेबी है वो बच जाएगा, क्योंकि ये एक सुपरस्टिशन वहाँ पर चलता था कि अगर मैरीगोल्ड में फूल आए मतलब बच्चा बच जाएगा। बट द मैरीगोल्ड्स नेवर ब्लूम। लेकिन मैरीगोल्ड कभी नहीं खिलते
एंड पिकोलाज चाइल्ड हु इज बॉर्न प्री मेच्योरली डाइज, और पिकोला का बच्चा प्री मेच्योरली पैदा होता है इसलिए वो मर जाता है. इन द आफ्टर मैथ अ डायलॉग इज प्रेजेंटेड बिटवीन टू साइड्स ऑफ पिकोलाज डिल्यूडेड इमेजिनेशन इन विच ही इंडिकेट्स कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स अबाउट हर रेप बाय हर फादर. उसके बाद फिर पिकोला के दिमाग में एक डायलॉग आने लगता है और वो इमेजिन करने लग जाती है और अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि उसे क्या लग रहा होता है अपने रेप के बारे में. इन दिस इंटरनल कॉन्वर्जेशन पिकोला स्पीक्स एज दो हर विश फॉर ब्लू आइज हैज बीन ग्रांटेड एंड बिलीव्स दैट द चेंज बिहेवियर ऑफ दोज अराउंड हर इज ड्यू टू हर न्यू आइज. तो जब वो ये इमेजिन कर रही होती है, अपने आप से बात कर रही होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो इच्छा थी ब्लू आंखों की वो पूरी हो गई है, और क्योंकि अब उसके पास ब्लू आंखें हैं तो जितने भी लोग उसके पास आसपास है उनका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो गया है. और रैदर देन द न्यूज़ ऑफ अ रेप और हर इंक्रीजिंगली स्ट्रेंज बिहेवियर, तो उसकी आंखों की वजह से लोग जो है अब उनका बिहेवियर उसके प्रति चेंज हो गया है, ऐसा वो इमेजिन करने लग जाती है. असलियत में उसकी आंखें चेंज नहीं हुई होती. क्लॉडिया एज नरेटर अ फाइनल टाइम डिस्क्राइब्स अ रिसेंट फिनोमिना ऑफ पिकोलाज इंसेनिटी एंड सजेस्ट दैट कोली हु हैज सिंस डाइड मे हैव शोन पिकोला द ओनली लव ही कुड बाय रेपिंग हर. उसके बाद क्लॉडिया जो कि नरेट कर रही होती है नॉवेल को, वो बता रही होती है कि कैसे पिकोला जो है अपने आप से बातें करती है और इसीलिए वो पागल जैसी हो गई थी. और कोली जो कि अब मर चुका था, शायद उसी ने पिकोला को लव दिखाया था उसका रेप करके, क्योंकि बाकी तो कोई भी पिकोला से प्यार नहीं करता था. तो ये एक आयरोनिकल स्टेटमेंट बताया जाता है हमें कि किस तरीके से जो कोली है पिकोला के फादर, उसने उसका रेप करके शायद उसे अपना प्यार दिखाया था, जो कि बाकी कोई भी पिकोला से प्यार नहीं कर रहा था. क्लॉडिया लेमेंसर बिलीव दैट द होल कम्युनिटी हरसेल्फ इंक्लूडेड हैज यूज्ड पिकोला एज अ स्केप गोट टू मेक देमसेल्व्स फील प्रिटियर एंड हैप्पियर. तो क्लोडिया जो है वो लास्ट में यही कहती है कि किस तरीके से उसकी कम्युनिटी के बाकी के जो लोग हैं, जो वाइट्स हैं, वो पिकोला जैसे लोगों का इस्तेमाल करके अपने आप को सुंदर साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. और वहीं पर जो है नॉवेल की समरी हमारी ख़त्म हो जाती है. आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं. तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.